नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। मोहम्मद रिजवान PSL में कामयाब कप्तान कहे जाते हैं इन्हें, और वो इसलिए क्योंकि अपनी टीम को दो बार फाइनल में पहुंचाया, एक बार फाइनल भी इन्होंने जिताया है। तो कई क्रिकेटर्स का ये मानना था कि भाई कराची किंग्स के लिए जो कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम, उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसा करो, T20 इंटरनेशनल में भी जो है बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दो। ये बहुत क्रिकेटर्स का कहना है, बहुत यूट्यूबर्स का भी कहना था कि भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने अपना हाईएस्ट टोटल जो है वनडे T20 में चेज किया है, और टेस्ट क्रिकेट में सेकेंड हाईएस्ट टोटल चेज किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में टीम कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और खुद बाबर आजम कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 90 का एवरेज है बाबर आजम का वनडे में बतौर कप्तान रन बनाए उन्होंने इस तरीके से। आपको बता दें कि वनडे में पाकिस्तान ने 348 रन चेज किया था, जो कि अब तक का वनडे में हाईएस्ट टोटल चेज है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और T20 में 208 रन चेज किया था। यह भी हाईएस्ट टोटल चेज किया है पाकिस्तान ने किसी भी कप्तान के भीतर में, उनका नाम है बाबर आजम। वेस्टइंडीज के खिलाफ जो है 208 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने जीत हासिल की थी बाबर आजम की कप्तानी में। टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड टेस्ट मैच में 342 रन चौथी पारी में जो है पाकिस्तान ने चेज किया। ये पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट टोटल चेज है टेस्ट क्रिकेट इतिहास में। तो अब मुझे आप बताएं कि बाबर आजम कहां बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज की उन्हें कप्तानी से हटाकर जो है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। तो बेतुका जो बयान है वो बयानबाजी आते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम ने अभी हाल ही में, मतलब बहुत कहां उतना साल ही हुआ है इनका कप्तान बने हुए, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसके जो है टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। T20 विश्व कप में भी लगातार मुकाबले जीत रहे, तो वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप हार गए, एक दिन किसी का भी बुरा हो सकता है, लेकिन टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में ये जो गोल्ड टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है श्रीलंका के खिलाफ, ये उन आलोचकों के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।